ये गाइस लकड़बग्गे भाई लकड़बग्गा बना हुआ, मैं पिकाचू बना हुआ हूँ। ये देखो फोन पिकाचू। सो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो फाइनली भाई आज एक और लॉन्ग ट्रिप स्टार्ट होने वाली है हमारी। बेसिकली हम दो बंदे जा रहे हैं, एक बंदा आगे मिलेगा, वो आपको आगे पता लगेगा ब्लॉग में कौन जा रहा है, ठीक है ना। ये राइड होने वाली है स्पीति वैली की। भाई अगर आप स्पीति वैली जा रहे हो तो भाई ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ लॉन्ग, ऐसी लॉन्ग ट्रिप पर, मतलब इस साइड, ठीक है, लद्दाख साइड और मनाली साइड पहली बार जा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस का अच्छा होने वाला है। बाकी अपना ये रहा पानी कवर, ठीक है, और अपनी बाइक वगैरह फुल रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हो, बैग वगैरह सब बन चुका है और फुल चमक मार रही है अपनी ब्लू बिस्ट। और चलते हैं थोड़े ना, मौसम भी हो रहा है यहाँ पे बारिश का, तो बाकी बातें आगे करते हैं गोप्रो में, ठीक है, गोप्रो लगा के बातें करेंगे आगे। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी स्पीति वैली की राइड। जय श्री राम। तो लो जी राइड की हो चुकी है स्टार्ट। और साथ ही बताओ ना, मौसम अभी से ही बारिश वाला हो चुका है। अब देखते हैं भाई, बारिश होगी तो भाई गोप्रो निकालना पड़ेगा, थोड़े सीन वगैरह रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई भी घर से निकलते हैं, मुझे लग रही है बड़ी भूख। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 4:41, ठीक है। और यहाँ से चल के सबसे पहले लेंगे मूर्थल वाला रोड है ना, करनाल बाईपास, सीधा वही रूट जा रहा है। तो सबसे पहले मूर्थल रुकेंगे, वहाँ पर चल के थोड़े नाश्ता वगैरह करेंगे, वहीं पे उसी रोड पे नितिन भी मिलेगा। अरे यार मैंने खुद ही बता दिया कौन मिल रहा है, चलो कोई नहीं। तो नितिन जा रहा है साथ में, एमटी वाले भाई अपने जो है, ठीक है ना, जानते ही हो आप। और वहाँ से चल के मूर्थल पर कुछ रुकेंगे, खाएंगे और वहाँ से फिर निकलेंगे आगे की ओर, वहाँ तक बारिश ना हो तो अच्छा ही है वैसे रेन। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर से निकलते ही बन गया था मौसम। और यहाँ पर देखो अभी गोप्रो में ना इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाया कि बारिश हो रही, तो गोप्रो ना रखना पड़ा बैग में, ठीक है। और अभी यहाँ पे लिया हमने अमरिक सुखदेव पे ब्रेक, ये देखो। और यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे डायरेक्ट, रुकेंगे अब कहाँ रुकेंगे डायरेक्ट भाई, देखते हैं कहाँ रुकेंगे, मंडी मंडी साइड रुकेंगे अभी कन्फर्म नहीं है भाई, ये भी पहली बार जा रहा है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है, कहाँ रुकने वाले हैं। मैं खोसकर तक तो गया हूँ। खोसकर ये कहाँ पर है? अटल टनल के बाद ये कहाँ पर है? पढ़ लेगा तो भाई चलो आगे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से नाश्ता वास्ता करके आगे मिलेंगे। तो भाई फाइनली अपन अभी हम निकल चुके हैं, आई मीन निकल रहे हैं अमरिक सुखदेव से खा पी कर। तो चले भाई, लो जी अगेन अपनी राइड हो चुकी है कंटिन्यू। तो भाई व्लॉग पूरी देख लेना, आई होप आपको मजे आएंगे व्लॉग में। निकल गई अपनी एमटी, ये देखो ये गाइस लकड़बग्गे भाई, लकड़बग्गा बना हुआ, मैं पिकाचू बना हुआ हूँ, ये देखो फुल पिकाचू भाई। यहाँ पे बोल्ट लगवा रहे हैं, इस पे बोल्ट खुल गए हैं, ये वाले बोल्ट लगाने हैं आगे, एक इधर और एक इधर। तो भाई यहाँ पे हमें मनाली से पहले रोका गया है पुलिस वालों के द्वारा, ये देख सकते हो पूरी पब्लिक रुकी पड़ी, क्योंकि आगे जो है लैंडस्लाइड हो रही है। तो मनाली से पहले हमें रोका गया है, अभी मनाली यहाँ से कम अराउंड होगा 80-90 किलोमीटर, और देखते हैं आगे भाई क्या होता है। ये चेक आउट करो भाई व्यू। भाई हमारी मनाली ट्रिप की टनल नंबर 4,